पर मौजूद पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसकी नापाक सोच, जिसकी नापाक साजिशें और जिसकी नापाक हरकतें कभी खत्म नहीं होगी। 2400 घंटे भारत को कोसने वाला पाकिस्तान मौका मिलते ही अपनी औकात दिखा देता है। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा दिखाया है। बस फर्क इतना है कि इस चेहरे पर लगा मुखौटा कट्टरपंथियों का है। एक बार फिर दिन के उजाले में कट्टर पाकिस्तानियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। एक बार फिर दिन के उजाले में कट्टर पाकिस्तानियों ने हिंदू की आस्था को चोट पहुंचाई है। एक बार फिर दिन के उजाले में कट्टर पाकिस्तानियों ने अपनी नाकामियों का सबूत दिया है। भारत के इतिहास में दर्ज 5 अगस्त 2019 की तारीख पाकिस्तान के गाल पर पड़ा वो तमाचा है जिसके बौखलाहट में कट्टर पाकिस्तानी हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बना रहे हैं। सालों से 370 की बेड़ियों से जकड़े जम्मू कश्मीर को जैसे ही मोदी सरकार ने आज़ाद किया, पाकिस्तान खूब छटपटाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने के लिए खूब साजिशें रची, लेकिन अंत में कुछ हासिल नहीं कर पाया। मुंह के खाने के बाद इमरान सरकार तो घर बैठ गई, लेकिन मुल्क के कट्टरपंथी अब अपना गुस्सा हिंदू मंदिरों पर निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हो रहे कायराना हमले थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। हाल ही में पंजाब के भोंग शहर में सिद्धि विनायक मंदिर पर हुए हमले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। भीड़ की आड़ में कट्टरपंथियों ने इस मंदिर में जो उत्पात मचाया है, जिस तरह से मूर्तियों को खंडित किया है, मंदिर में लगे झूमर समेत चीज़ों को तहस नहस किया है, उसने एक बार फिर पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो 24 सेकंड के इस वीडियो में पाकिस्तानी उपद्रवी लाठी डंडे के साथ मंदिर में घुसे हुए दिख रहे हैं, मूर्तियों को खंडित करते हुए भी दिखेंगे और तो और मंदिर परिसर में मौजूद हर चीज़ को तोड़ते हुए भी पाए जाएंगे। तो 24 सेकंड का ये वीडियो ये बता रहा है कि भाई भारत के प्रति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति और हिंदुओं के प्रति इन पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के अंदर कितनी नफरत है। भले ही इस घटने की इमरान सरकार ने कड़ी निंदा की हो, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया हो, लेकिन अंत में पीड़ित पक्ष खाली हाथ ही रह जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी विशेष धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले खैबर पंतूफा में 100 से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ एक हिंदू मंदिर में ना सिर्फ तोड़फोड़ मचाई थी बल्कि उसे आग के हवाले भी कर दिया था। कराची के हनुमान मंदिर को तो रातों रात ध्वस्त कर दिया गया और इतना ही नहीं, कराची के मोजोलोन में 4 विशालकाय हिंदू मंदिर कभी हुआ करते थे जो अब दुकानों में तब्दील हो गए हैं। तो आज़ादी से अब तक पाकिस्तान में देखिए आधे से भी ज़्यादा मंदिर ध्वस्त हो चुके हैं, जो कुछ हैं वो खंडर हो चुके हैं और बाकी बच्चे मंदिरों की अब जो हालत हो रही है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भाई हर साल 1000 से भी ज़्यादा लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है। MSP यानी कि मानवाधिकार संस्था मूवमेंट फॉर सॉलिडेटरी एंड पीस ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि भाई पाकिस्तान में हर साल 1000 से भी ज़्यादा ईसाई और हिंदू महिलाओं या लड़कियों का अपहरण किया जाता है, जिसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करवा कर इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह करवाया जाता है। पीड़ितों में देखिए ज़्यादातर की उम्र 12 साल से 25 साल के बीच में होती है। अगवा होने वाली लड़कियों में से अधिकतर गरीब तबके से जुड़े होते हैं और जिनकी कोई खोज खबर लेने वाला कोई नहीं होता। तो देखिए आज की तारीख में पाकिस्तानी हिंदू अपने ही मुल्क में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने ही मुल्क में उनका दम घुट रहा है और अपने ही मुल्क में मंदिर जाने से अब वो डर रहे हैं। तो पाकिस्तान से आई इस घटना पर आपका क्या कहना है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।